गाइस देखिए ये हमारे SRCC के रास्ते नदियाँ पार करके आया जा रहा है कॉलेज के अंदर। यहाँ पे सारे पढ़ने वाले बच्चे सारे के सारे के अलावा कनव कनव कैसे हो आप? नर्वस हो? फर्स्ट टाइम? नॉट रियली। यहाँ देखिए आईडी कार्ड दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आईडी आईडी मिला नहीं है भाई, दिखा रहे हैं। भाई हमको एकदम भाई अब प्योर सनातन नहीं लग रहे हैं। ये हमारा स्टैचू लोन है फर्स्ट डे भाई कॉलेज में। दोबारा कर लो रिकॉर्ड करने अंकल वाले मारेंगे तो पुलिस मारेंगे। कैमरामैन ने हमारे भाई कट कर दिया। कर देना प्लीज इसको पगार दे देंगे। ये बंदा असल में तू बन सकता है मीडिया वाला। अभी ज्वाइन करवा देंगे तेरा ABVP। कुछ नहीं करना है तेरे अगले साल पेपर देना है जर्नलिज्म में, ठीक है? वो जगह से स्टीफंस में भाई अलग ही धौंस रहेगी। कोई सेंसेंस बात कर भाई। राजकुमार राव नहीं ये वाला तेरी बात चल रही है। यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा SRCC के अंदर कैसे सारे डले बेरोजगार लोग आ जाते हैं और एडमिशन लेने के बाद मजाक था गाइस। बताइए कुछ कैसे ये लोग अपने आप को वन लाइनर बोल के बहुत ज्यादा कूल समझने लगते हैं। अंकित भाई ने बचा लिया। भाई आपको कौन सा चैनल है? सारे के सारे ब्लॉगर है यार। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर्यन डिस्टर्ब जैसे नल्ले ब्लॉगर आए भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। TS ग्रेवाल से कौन नहीं पास? प्रोफेसर यहाँ पे प्रोफेसर TS ग्रेवाल नहीं। अरे वही TS ग्रेवाल। तो गाइस अब हमें कुछ नए दोस्त मिलते हैं, इनसे पूछेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। जब आपको कंप्यूटर लैपटॉप या जो भी फोन की स्क्रीन में जब आपने SRCC देखा था पहला नाम है मैंने, तो कैसी फीलिंग आई थी उस टाइम? आप बताइए। बहुत अच्छा लगा था। मैं सर पेंटिंग नहीं किया था जिसके नंबर आए थे मगर मिल गया किसी तरह। रिजर्वेशन मैं लैपटॉप खोला पानी में था अपनी गाड़ी में। इतना खुश हो गए पापा, यही तो चाहिए और क्या चाहिए। SRCC है भाई नंबर वन। आप अपना बताइए भाई। लगा बता के बाद लेकिन अंदर आज SRCC में कैसे एक्सपीरियंस अच्छा है भाई SRCC में? किसको अच्छा नहीं लगेगा इंडिया में? तो अपना बताइए। बहुत अच्छा लगा था जो मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसा एक्सपीरियंस बस उसको हम लोग
कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही होता है भाई। आप बताइए, जब एडमिट अलॉटमेंट लिस्ट आई तब तो लगा कि ये सही में हो रहा है या हमें भ्रम हो रहा है, बट जब इधर आए तब ऐसा लग रहा है अब हो गया परम सुख आनंद। आप सारे कहाँ के हो, लग रहे हो? आप गुजरात? ओके, अच्छा हमारे यहाँ पे ब्लॉगर साहब आए हुए हैं, इतना ही है ब्लॉगर साहब। आप क्या, ब्लॉगर साहब आप कहाँ के हो? दिल्ली। और क्या एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, लगा नहीं तो होगा एडमिशन पहली बार। अच्छा ये बताइए, इस कॉलेज से क्या क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है, क्या क्या लगता है, क्या क्या प्लेसमेंट, जितना भी एंजाइटी अंदर का निकल जाएगा और अलग एक्सपोजर, हाँ एक्सपोजर लेके जाएंगे और टीचर्स तो टॉप लेवल मिलने वाले हैं, कोई उसमें टीचर्स तो होंगे। सुन रहे हो रियलिटी, एक हफ्ता में डालना पता चल जाएगा। आपका व्लॉग टीचर्स नहीं देखते क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।